कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। बरसिया में सुबह के समय धार्मिक स्थलों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के विरोध में अनुविभागीय अधिकारी राजीव रंजन श्रीवास्तव को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रामातलम हिंदू संगठन के तत्वाधान में बैरसिया के कई लोगों द्वारा मिलकर सौंपा ज्ञापन। इस मौके पर रामातलम संगठन के सह संस्थापक योगेश शर्मा ने बताया कि सुबह होने वाले लाउड स्पीकर के प्रयोग से लोगों की नींद में खलल पड़ता है, विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में परेशानी आती है, बीमार और रोगी लोग परेशान होते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इस पर रोक लगाई जाए, अन्यथा हमारा संगठन इसके लिए विरोध प्रदर्शन करेगा। इस अवसर पर रामातलम सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों एवं साथीगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के जिला अध्यक्ष जनक सिंह राजपूत, डॉक्टर राजेंद्र भार्गव जिला कोषाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद जिला भोपाल, सर्जन अहिरवार गौ सेवा प्रमुख जिला भोपाल करणी, सेना मीडिया प्रभारी काजल सिंह, रामातलम संगठन के योगेश शर्मा, दिनेश साहू, भैया लाल मालवीय, अजीत सोनी, नीरज सागर, अशोक कृष्णा, शैलेंद्र साहू, राजा भैया, राज सोनी, जलाज चौरसिया, विकास दुबे, चंद्रमोहन श्रीवास्तव सहित हिंदू संगठन के कार्यकर्ता गण मौजूद रहे एवं बैरसिया में सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर द्वारा रामातलम संगठन के कार्यक्रम में लाउडस्पीकर के बजाने पर विवादित बयान दिया गया था। एक ज्ञापन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय के को सौंपा गया है राज्यपाल महोदय के नाम पर, जिसमें हमारी मांग है कि जो ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह सुबह पर लाउड स्पीकरों का उपयोग करके तेज तेज आवाज में जो धाड़ मारने का काम किया जाता है, जिससे प्रदेश में रहने वाली जनता, जिसमें रोगी, विद्यार्थी, व्यापारी, अन्य सभी वर्ग के लोग रहते हैं, जिनके साधना में, जिनकी तपस्या में, जिनके आराम में, बीमार लोगों के आराम में खलल पैदा होता है या व्यवधान उत्पन्न होता है, ऐसी विधर्मी संस्थाओं द्वारा तेज तेज आवाज में सुबह से लाउड स्पीकरों का उपयोग किया जाता है, उसको हम रुकवाना चाहते हैं और शासन से मांग करते हैं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के जो प्रावधान है और जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लाउड स्पीकर के संबंध में, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में जो निर्देश पारित किए गए हैं, उनको सख्ती से पालन कराया जाए। आवश्यकता पड़ने पर डंडे के जोर पर भी अगर कराना पड़े तो हम प्रशासन से मांग करते हैं उसका प्रयोग किया जावे। अगर प्रशासन इस चीज़ में चूक करता है या वो हमारी बात को नहीं मानता है तो वो दिन दूर नहीं जब संपूर्ण सनातनी धर्म संस्थाएं भी अपने अपने धार्मिक स्थलों पर माइकों का और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का रात रात भर प्रयोग करेंगे, और हमारे यहाँ तो वैसे भी जागरण की परंपरा है। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।